फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्वेत्सल स्टूडियो पे। जी, दिवाली का त्यौहार पास में आने वाला है, तैयारियां घर में जोर शोर से चल रही होंगी। ऐसे में हमें हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हम काम करते हुए, दिवाली की सफाई करते हुए इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, काम भी करें, लेकिन प्रॉपर बैलेंस डाइट आप लें और रेस्ट भी करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का एक टॉपिक एक ऐसी कॉमन समस्या है जो कि आप देखेंगे 80-90% लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। जी हाँ, वो है दांत का पीलापन। हर कोई चाहता है अच्छा दिखना, और अगर आप अच्छी सी स्माइल वेयर करते हैं तो क्या बात है। किसी से भी अच्छे स्माइल से अगर आप मिलते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, तो हर कोई आपको याद रखता है, बोलता है वाव उसकी स्माइल क्या थी, आज भी मुझे याद है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊँगी क्या क्या रीज़न्स होते हैं जिससे हमारे दांत में पीलापन आने लग जाता है, और हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि दांत के कलर में चेंज आए, एक शेड वाइट हो जाए और आगे पीले ना हो। तो चलिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी पता चलने लगे। देखिए, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं, मैम हम दिन में आपके बताने के बाद दो बार ब्रश कर रहे हैं, साफ सफाई भी रख रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है, दांत दिन ब दिन पीले होते जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ एज अ डेंटिस्ट मैं आपको बताऊंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको हर वो पॉसिबल केयर दांतों की लेनी है ताकि आपके दांतों को, मसूड़ों को आप स्वस्थ रखें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सब पेशेंट्स को समझाते हैं वो ये है कि आपको दिन में दो बार तो ब्रश करना ही है, 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। जब भी आप कुछ खाएं तो गागल कर लें, रिंस कर लें पानी से और स्पिट करें, क्योंकि जब हम खाते हैं खाना, अनाज हमारे दांतों पर चिपक जाता है, कभी कभी दांतों के बीच में जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता वहाँ जमा हो जाता है, और हम जब ढंग से उसे क्लीन नहीं करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं तो रात भर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उस खाने पर डांस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे दांतों को धीरे धीरे ख़राब करने लगते हैं। उस पर आप देखेंगे कि रात में अगर आप ब्रश करके नहीं सोते हैं, सुबह उठते हैं तो दांतों के ऊपर आप अगर इस तरह से टंग आप घुमाएंगे ना, तो आपको एक स्टिकी लेयर सी पता चलेगी, महसूस होगी। वो क्या होती है, फूड पार्टिकल्स का जमा होना, लेकिन उसे कहा जाता है प्लाक। अगर आप इसको नहीं क्लीन करते हैं तो ये एक के ऊपर एक स्टिक होती चली जाती है और एक कैलकुलस में बदल जाती है। उसकी वजह से दांतों पे एक पीली सी लेयर जम जाती है, और हम जब हंसते हैं तो दांतों में से ये पीलापन दिखता है और बैड स्मेल भी आती है, और आपके मसूड़े भी खराब हो जाते हैं, स्वेलिंग आती है। और जब हंसते हैं तो कितनी बार दांतों में से मसूड़ों की सूजन की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना होगा, डेफिनेटली आपको ब्रश तो करना ही है, जब भी खाना खाएं उसके बाद गागल करना होगा, और फ्लॉस, जी हाँ फ्लॉस आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँचता है वहाँ पर फ्लॉस का काम होता है। वो पतला सा थ्रेड होता है जहाँ दांतों के बीच में अनाज फंसा है, आराम से आप फ्लॉस को वहाँ पर रखिएगा और दांत में से अनाज निकाल दें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया ऐसी प्रैक्टिस अगर नहीं कर दें पेशेंट तो टूथपिक यूज़ कर दें, जिससे दांतों को और गम्स को इंजरी पहुँचती है, जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दांतों की सफाई रखेंगे तो आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट ये होता है कि आप अच्छे से साफ सफाई रख रहे हैं फिर भी दांतों में पीलापन क्यों है, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया जाता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक करेंगे तो ये दांतों को नुकसान पहुँचाएगा और डेफिनेटली आपके दांत पीले होंगे, उसका नेचुरल कलर जो होगा वो फीका पड़ने लगेगा। तो आपको इन चीज़ों का जो कंजप्शन है वो रेगुलेट करना होगा। थर्ड थिंग, अगर आप बहुत मीठा खाते हैं,
जी हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है, क्योंकि मीठा खाने से हमारे मुंह में बैक्टीरिया जल्दी पनपने लगते हैं, और जब बैक्टीरियाज होते हैं तो हमारे दांतों में सड़न होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ऊपर की दांतों की इनेमल की लेयर हटने लगती है, डेंटिन दिखने लगता है, और डेंटिन जो होता है जब एक्सपोज होता है तो वो येलो कलर का होता है, दांतों का पीलापन बिल्कुल साफ नज़र आने लगता है। और अगर हमने ये चीज़ पर कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली वो सड़न पल तक चली जाती है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द की कंप्लेंट हो सकती है। तो आपको शुगर का इंटेक कम करना चाहिए, और अगर बच्चे खाते हैं ज़्यादा शुगर तो उन्हें भी समझाइए, और उन्हें उसके बाद माउथ को रिंस करने लगाइएगा पानी से, ताकि वो जितना भी उन्होंने मीठा खाया है वो दांतों पे चिपके नहीं, वो अच्छे से कुल्ला करें और रात में सोने के पहले ब्रश करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि आप जब खाना खाते हैं तो क्या वो बिग बैलेंस डाइट है। जी हाँ, आप बोलेंगे कि खाने से दांतों के पीलेपन का क्या लेना देना। जी हाँ, ऐसा पाया गया है कि अगर आप ढंग से नहीं खाते हैं, आपके फूड में प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं जाते हैं तो भी दांत सफ़र करते हैं। और विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, इनका रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दांतों की सेहत के लिए। आपके मसूड़े भी सफ़र करते हैं अगर आप ढंग से खाना नहीं खाते हैं। तो पौष्टिक आहार लीजिए, से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए जिनमें हाई कंटेंट ऑफ फाइबर हो, तो थोड़े जूसी हो, तो दांतों को अगर अच्छे से पानी मिलेगा, जूस मिलेंगे, तो उससे आपका मुंह नेचुरली क्लिंज हो जाएगा और आपके मुंह से बैड स्मेल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नज़रअंदाज हो जाता है, कितनी बार पेशेंट ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं फिर भी कंप्लेंट लाते हैं। स्पेशली कुछ एज 50 प्लस पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं, कुछ आंटी ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने सब कुछ किया बेटा फिर भी दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी लेनी पड़ती है जैसे डायबिटीज़ के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि आपको लेना कंपलसरी होता है, आयरन डिफिशेंसी अगर होती है तो भी बोला जाता है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप देखेंगे मेडिसिन ली जाती हैं, तो दांतों पर उन मेडिसिन का प्रभाव पड़ता है, उनके साइड इफेक्ट से दांतों पे थोड़ा सा येलोइश कलर, ग्रेश कलर भी चढ़ने लगता है। नेक्स्ट, ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को कंट्रोल करना होता है, उसमें विल पावर की बहुत ज़रूरत है। बहुत ऐसे यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सुपारी खाते हैं, उन्हें मैं यही समझाऊंगी, अगर आप भी उनमें से एक हैं, इन सब चीज़ों से शरीर पर नुकसान होगा, आपके दांत के अलावा आपकी पूरी बॉडी पर बहुत हार्म होता है। तो प्लीज़ अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आई विल से क्लियर कट नो, आप इसे बंद कीजिए, जल्द से जल्द कम कीजिए और इसे पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। तो चलिए, ये आपने समझा कि क्या क्या रीजंस होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप घर पर रह करके कर सकते हैं। पहला प्रिकॉशन, अगर आपके दांत में पीलापन है तो आपको ब्रशिंग तो करना ही है। ब्रशिंग कैसे करनी है, आपको टूथब्रश को होल्ड करना है, ऐसे नहीं, नॉर्मल पेन ग्रिप आपको यूज़ करनी होती है ब्रश करने के लिए, और आप सर्कुलर डायरेक्शन में आराम से सब दांतों की सरफेसेस से आपके टूथब्रश को घुमाइएगा। आप देखिए कि जो आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं उसके जो रेशे हैं, उसके जो ब्रिसल्स हैं, वो सॉफ्ट हों या मीडियम हों। ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स वाले टूथब्रश बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, आपको लेना है H2O2। जी हाँ, आपको 1-3% H2O2 लेना है, एक चम्मच लीजिए, छोटा चम्मच, और उसको एक ग्लास पानी में डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिलाइए, वो एक माउथ वॉश की जैसे एक्ट करेगा, और वो आप अच्छे से माउथ वॉश के जैसे उससे लेने के बाद अच्छे से घुमा लीजिए मुंह में, कुछ इस तरह से स्विश कीजिए जब तक कि वो ग्लास ख़त्म नहीं हो जाती, और स्पिट आउट कर दीजिए। ऐसा आप रोज़ रात में भी कर सकते हैं, और आपको लगता है आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो आप ये एक बार एक वीक में कर सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके घर में अगर स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है या फिर पाइनएप्पल अवेलेबल है, तो आप इसको सिंपली
अच्छे से खा लीजिए, 1 month खाइएगा, देखिएगा स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। उसमें मैलिक एसिड होता है जो कि नेचुरल क्लिंजिंग एजेंट होते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी को आप लीजिए, उसको आप क्रश कीजिएगा, थोड़ा सा टूथपेस्ट लें पेयर साइज, उसको उसमें मिक्स कीजिएगा और उसे ले करके टूथ ब्रशिंग कीजिए। आप देखेंगे कि नेचुरल क्लिंजिंग करता है स्ट्रॉबेरी और बहुत ही ज़्यादा दांतों की वाइटनिंग में बहुत बड़ा हेल्प करता है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट पॉइंट फिटकरी। फिटकरी की बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप उसको क्रश कर लीजिएगा या एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको एक ग्लास पानी में डाल के मिक्स कीजिए और उससे भी अगर आप रिंस करते हैं तो देखिएगा दांत में दर्द होगा वो भी चला जाएगा और दांत आपके बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो गाइज मुझे लगता है ये होम रेमेडीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आप याद रखिए इसमें से कोई एक होम रेमेडी ही आपको यूज़ करनी है, पेशेंटली कीजिएगा। होम रेमेडीज़ करने के बाद आपको कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।